देखा वानंदी मैं कितनी अच्छी पिक्चर दिखाने लाया हूँ। हीरो हवा में उड़ रहा है, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, हीरोइन ने कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए, ना किस कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया तो इस पिक्चर को देखने में दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। एंजॉय करो यार तुम भी। जगिया इतना बड़ा हो गया बस का चूत रही हो। दादी सा जगिया मुझे फिल्म में दिखा रहा है। हाय गाइस मैं हूं ज़ैन और मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और इस हफ्ते हम देख कर आए हैं रेस 4। देख कर नहीं झेल कर आए हैं। झेल कर आए हैं रेस 4 यानी कि साहो, बट हम उसको रेस 4 कह रहे हैं बिकॉज वो उतनी ही टट्टी थी जितनी टट्टी रेस 3 थी। पतले पीले गाड़े दस्त हैं इस बार तो ये मतलब। और रेस 3 तो फिर हम चलो सलमान भाई थे उसके अंदर झेल गए क्योंकि पता है भाई आए तो भी करेंगे। प्रभास से तो उम्मीदें थी यार, और सोने पे सुहागा ये कि इस बार हमें प्रीमियर का शो भी नहीं मिला। गुड़गांव के एक थिएटर में हम गए और वहाँ पे अभी जैसे अक्षय कुमार अपना फूफू करके निकले, पीछे से एक लड़की कह रही है बस करो ना अभी शुरू तो होने दो। आगे से दो भाई कह रहे हैं अरे मान जा बात छोड़ दे उसने। अरे बाद में ही कर लिए फिल्म तो शुरू हो जाने। एक तो फिल्म लंबी इतनी है। हाँ। हम गए 9 बजे फिल्म देखने, 10:30 बजे तक हम इंतजार कर रहे हैं इंटरवल का कब होगा, इंटरवल कब होगा। आप इंतजार करते करते फिर आप वही कहोगे मैं माता जो मैं ये देखने आया हूं 200-500 ले ले मुझे उतार दे। फिल्म के लीड रोल में ऑफ कोर्स प्रभास जो कि प्ले करते हैं 2-3 कैरेक्टर्स, अगर हम वो आपको बता देंगे तो आप नीचे लिखना शुरू हो जाओगे स्पॉइलर है। गिव रिव्यू डोंट गिव स्पॉइलर। और फिल्म में लीड पैरेलल रोल पर है श्रद्धा कपूर जो कि प्ले करती है अमृता नायर हु इज अ वेरी स्मार्ट कॉप, नॉट जस्ट अ कॉप आईपीएस ऑफिसर। किरण बेदी, किरण बेदी सुन वो देखा था किरण बेदी की अदालत की नहीं क्या? अरे टीवी पे शो आता था किरण बेदी का कि जिसमें वो किससे सुलझाती थी, तो उसमें पति पत्नी में कलेश हो रहा है। हाँ आप बताएं आपका क्या इश्यू है, बंदे इश्यू बताते थे फिर एंड में क्या करती थी, ठीक है आप इनसे अलग हो जाएं हम आपको एक सिलाई मशीन दे रहे हैं। औरतों को सिलाई मशीन देके उनके पति से तलाक करा देती थी। ये तो सुई धागा है भाई। फिल्म में और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं महेश मांजरेकर जिनका कैरेक्टर का नाम है नहीं याद अभी कैरेक्टर किसी का तुम्हें याद है हम साथ साथ में फूफा जी का क्या नाम था। एनीवे तो महेश मांजरेकर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं और वही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं नन अदर देन चंकी पांडे। ओहो सफेद दाढ़ी में देख के उन्हें तो मजा ही आ गया, मतलब ऐसा लगा चंकी पांडे के नॉर्मल मुंह पे ही फेस लगा दिया किसी ने। हाँ ओरिजिनल बुड्ढे विलेन बैठे हुए हैं जहाँ पे गुलशन ग्रोवर खाली हैं बेचारों को, वो उस टाइप के ऐड करते हैं, वो जोड़ों के दर्द के तेल बेचते हैं। इससे काफी आराम है मुझे, ये वाकई कमाल है, आप भी ट्राई करें। फिर एंकर बता रही है 5-9 दवाएं अभी कॉल करें। जग्गू दादा है फिल्म में। हाँ। लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए उनके 4-5 शॉट आते हैं फिर उनका एक्सीडेंट होता है वो मर जाते हैं। ये तो स्पॉइलर है ही नहीं, जो फिल्म के पहले 4 मिनट में आ रहा है वो कैसे स्पॉइलर हो सकता है भाई। भाई हो सकता कोई तो कोई ये उम्मीद बांध के जाएगी जग्गू दादा को देखेगा 3 घंटे भाई पैसे थोड़ी वापस मिलते हैं कि 5 मिनट में मेरा जग्गी दादा मर के लाओ मेरे पैसे दे दो भाई 200-200 दे दे मेरे को निकलने दे, नहीं होता है थिएटर के अंदर। एनीवे और कैरेक्टर्स हैं और काफी हैं, टीनू आनंद है इसके अंदर। टीनू आनंद का डायलॉग नहीं है बेसिकली। हाँ हमें लगता था तुषार कपूर के साथ गोलमाल में बुरा करा गया लेकिन उससे बुरा करा गया टीनू आनंद के साथ इस फिल्म में। टीनू सर आपके लिए फिल्म लाया था सर। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, लाओगे क्या? नहीं नहीं सर चंकी पांडे का बाप बनना है सर। अरे यार ड्रीम रोल है मेरा ये तो। दांत बेटा एक पिक्चर में निकाले तब से वापस अंदर गए नहीं है। अच्छा, तो स्क्रिप्ट वगैरह का बताओ कैसे, मैं डायलॉग सूर्य याद करके आऊंगा अच्छे से। नहीं सर स्क्रिप्ट में तो ऐसा सर कोई डायलॉग तो है नहीं, पर कुछ आपको आराम से हो जाएगा खाली व्हीलचेयर में बैठना है सर। कोई डायलॉग नहीं है? नहीं नहीं सर जो पर्दे पर देख लेंगे। निकल पहली फुर्सत में निकल। और इन सब महापुरुषों के अलावा फिल्म के अंदर है अरुण विजय जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अभी कह रहा भाई ट्विटर पे 1.5 मिलियन फॉलोअर है, नाम ले लेंगे इसका क्योंकि पिछली बार तो बोलते छोटा एक्टर है। गलती सुधार रहा हूँ ना, गाली खाने का शौक किसको है। और इसके अलावा वो है एक अंकल जो आपने सबने देखे होंगे, प्रकाश बेलावादी नाम है उनका। प्रकाश बेलावादी बेसिकली उनका एक सरकारी नौकरी है, हर फिल्म में डिपार्टमेंट बदलता रहता है उनका। अब उनकी है पक्की पेंशन बन गई है उनकी, वो सुबह जाते हैं डिपार्टमेंट में मूढ़ा लगाने अपना टाइमिंग। मिशन मंगल में भी था ना वो? मिशन मंगल में होंगे पक्का होंगे। फिल्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया है मंदिरा बेदी ने जो प्ले करती है, कैरेक्टर का नाम है कालकी और वो फाइनेंशियल एडवाइजर है ये सारे जो कार्टेल वगैरह। फिल्म में अंग्रेज वगैरह भी काफी है, उनमें से एक है नील नितिन मुकेश और बेसिकली वो एक चोर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। उनका कैरेक्टर कैसे इवॉल्व होता है ये भी अगर हम आपको बता देंगे आप कहोगे स्पॉइलर है। फिल्म का प्लॉट बिल्कुल ही निहायत ही प्लॉट है, मतलब ऐसा प्लॉट है कोई कब जाए ना उसे। बेसिकली दो प्लॉट्स है फिल्म में, एक है कि
इमेजिनरी वाजी सिटी है। वाजी सिटी आपको गूगल मैप पे नहीं मिलने वाली है, और नाम से लग रहा है राजनगर में प्लॉट कटे हुए। ये वो है ना जो 18 लाख रुपए में 2 BHK मिल जाता है, साथ में टीवी फ्रिज फ्री। और इनके एड कैसे होते हैं, सुनो भगवान टीवी काम नहीं कर रहा है, नया टीवी ला दोगे क्या? अरे भगवान टीवी की क्या जरूरत है, मैंने आज ही वाजी सिटी में एक 2 BHK फ्लैट बुक करा है मात्र 17 लाख में। टीवी और गैस चूल्हा वो फ्री दे रहे हैं। वाह, कौन 20,000 का टीवी छोड़ के 18 लाख का फ्लैट ले रहे हैं। टीनू आनंद की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एम्पायर है। टीनू आनंद कुछ दिनों में तो अपनी बॉटल ओपनिंग की वो लगा देगा, आओ खोलते जाओ। उसको स्टैग एंट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आई टीनू आनंद को। क्यों? भाई बियर खोलने जा रहा हूँ। एसेंशियली उसका एक बहुत बड़ा एम्पायर है और टीनू आनंद का लड़का है चंकी पांडे। टीनू आनंद एक एक्सीडेंट हो जाता है कराना नाम के गाँव में, पहली बात तो बहन दुबई जैसी जगह के पास कराना कौन सा गांव हुआ? हाँ, वाजी सिटी में गांव का नाम ऐसे ऐसा शामली सहारनपुर के पास था। वो तो कहता है कि मेरा लौंडा तो उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी सारा एम्पायर देता है अपने नौकर को, रामू काका को, बेसिकली जो प्ले किया जैकी दादा, जग्गू दादा ने। अब चंकी पांडे की यही काम अगर सोनिया जी कर लेती तो कितना फायदा हो जाता देश, देश को अपोजिशन मिल जाती, कांग्रेस पार्टी को 10-15 सीट मिल जाती। अपने बाप को एक सीन के अंदर ये दिखाया गया है कि अच्छा खासा प्यार से सूप पिला रहे, पापा सूप पियो, दांत बाहर करो पापा, टीनू आनंद हो आप। सूप पिला रहा है अच्छे से पापा को, अब पापा किसी बात पे हंस दिए भाई, पापा का मुंह पकड़ के ये हंसे तो हंसे, तू कैसे हंसा? और दूसरा प्लॉट चल रहा है यहाँ पे मुंबई शहर के, मुंबई शहर में एक चोरियां हो रही है बहुत हाई प्रोफाइल, तो मुंबई पुलिस एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट को लाते हैं प्रभास को। हाँ, और साथ में ऑलरेडी उस केस में काम कर रही होती है लेडी आईपीएस ऑफिसर अमृता नायर जो प्ले करी है श्रद्धा कपूर ने। हाँ, और वो सिर्फ उनको हायर करता है। हाँ, देख लेता ना ये ऑफिस में मन लगा रहा है, वो कैजुअल सेक्सिज्म दिखा रहा है, फोटो देखता है, कहता है इसकी नैन नक्श अच्छे रख लो। और उसके बाद तो ऐसा मतलब गाइड है पिक्चर पूरी की हाउ नॉट टू बिहेव विद योर कलीग, मतलब वो फुटबॉल खेल रहा हो, कह रहा है रहने दो तुम लड़के हो तुम नहीं खेल, तुम नहीं खेल, उसको हरा के खुश हो रहा है, 5-4 से हरा दिया खुश हो रहा है। फुटबॉल हीमा दास मेडल जीत गई, पीवी सिंधु मेडल जीत गई, ये उसी पर अटके हुए कि लड़की ने अगर शराब पी है तो 2 ड्रिंक में टल्ली हो जाएगी। नो बट दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद द सदर्न इंडस्ट्री। एनीवे, सो प्रभास आते हैं केस सॉल्व करवाने, मुंबई पुलिस जो सालों से केस नहीं सॉल्व कर पा रही है, क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं रियल पुलिस की, मतलब उसके क्राइम पेट्रोल में सीआईडी में, हां सीआईडी में वो एक नीला लिक्विड हार्पिक जैसा डाल देते हैं नोटों के ऊपर, किसके किडनैपर के उंगली के निशान आएंगे हम उसे पकड़ लेंगे, पूरा बचपन बने हम की सालों के कह रहा है तो सही है, सालों के का यूं सफेद टेलकम पाउडर आता है चकता कहता कोकेन है मां की। सिमिलरली प्रभास एक केस कैसे सॉल्व करते हैं, कहते चोर है, 3D मॉडल बने हुए आ रहे हैं उनकी मेजों पे ऐसे, इसी को ले लो भाई, इससे नहीं चुप होता ये अब इसको जब भीड़ मारेगी तभी चुप होगा। मोदी जी जिंदाबाद। प्रभास आता है केस सॉल्व करने, प्रभास कहता है देखो चोर की टोपी और जूते मैचिंग हुए पकड़ लो। हां ऐसे रैंडम लॉजिक लगाया, ऐसे रैंडम करिए फिल्म में, और जूते टोपी जो सेम होता है उसको पकड़ लेते हैं, और रैंडम चीज हो रही है, प्रभास जाता है वाजी सिटी में, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ नहीं मिलता है, खुद प्लेन बन जाता है प्रभास। फिल्म के अंदर लिटरली एक सीन दिखाया कि आदमी के पंख लगा दिए धुआं निकल रहा है और आदमी उड़ रहा है और उड़ रहा है पूरे वाजी सिटी में यहाँ से वहाँ। इतने लॉजिकल सीन दिखाए, एक तो वो वाला कि ट्रक और बाइक की रेस दिख रही है और ट्रक जीत रहा है, जो साथ में वो गुड़गांव वाले भाई बैठे थे उन्हें भी वाला सी। कह रहा, तू बता भाई ट्रक से बाइक से तेज भाग लेगा ट्रक, इससे तो तेज स्प्लेंडर भाग गया है। एनीवे गाइस, हियर आर द 3 things वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। फर्स्ट डेफिनेटली लाइक प्रभास's परफॉर्मेंस, प्रभास ने परफॉर्मेंस में मेहनत करी है भाई ने, अनलाइक सलमान भाई। सेकंड थिंग दैट आई पर्सनली लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज द वे इट वाज शॉट, हां शूट अच्छा किया। थर्ड थिंग वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज एट लीस्ट वी डोंट हैव टू पे फॉर द टिकट्स, कंपनी पे करी। हियर आर द 3 things वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म। 1, डेफिनेटली डिड नॉट लाइक द फिल्म इटसेल्फ। हाँ, और ड्यूरेशन इतनी लंबी है, 2.5 घंटे की फिल्म है, 6-6 गाने हैं, मतलब क्या क्या बताएं कि वो भी व्हाट वी डिड नॉट लाइक। होने में एक आदमी ने तो ईयरफोन लगा के सेक्रेट गेम का सीजन 2 निपटा दिया। थिंग वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म वाज दैट द प्लॉट्स वर स्टूपिड, आई मीन ऑडियंस हैव मूव्ड ऑन, अब उनको नहीं देखना है। कब तक वो दिखाओगे कि आंख से तिजोरी खुलेगी, बटन से तिजोरी खुलेगी, वो मुंबई में बैंक दिखा रखे जिनमें तिजोरी है, आज भी साले लोहे के लॉकर चल रहे हैं। रॉयल बैंक है, उसके आगे एक चपरासी बैठा डंडा लेकर, और वहाँ हिंदुस्तान का सबसे शातिर चोर जा रहा है चोरी करने, पुलिस को ये पता है, जबकि लोगों को तो वही लगता है ना कि चौकीदार चोर नहीं है। 350 करोड़ में ये फिल्म बनी और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 425 करोड़ कर जाएगी, क्योंकि हम जैसे कुछ भी बोल रहे हैं पब्लिक को तो फिल्म में मजा आएगा। सर आप मूवी देख के आ रहे हैं, आपको कैसी लगी? सर पहले बता भड़वे कैमरा किधर है? वो सर वहाँ पे सामने। और कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म तो एक नंबर की है, पर लोग तो मतलब कह रहे हैं उसके अंदर स्टोरी वगैरह नहीं है कुछ। भड़वे स्टोरी चाहिए तो लाइब्रेरी में जाना, इधर सिनेमा हॉल में क्या कर रहा है। तो आपको इतना अच्छा क्या लगा फिल्म के अंदर? सब अच्छा है उसमें, एक्शन
ऐसे मतलब गाड़ी उड़ रही है, ट्रक उड़ रही है, साइकिल उड़ रही है, बंदा उड़ रही है, और क्या चाहिए तेरे को? जेकलिन का गाना है, इस पे 500 रुपए लुटाए मैंने। लेकिन लोग तो कह रहे प्लॉट वगैरह नहीं है कुछ ऐसा खास। तो प्लॉट पे क्या भड़वा, तेरे को मकान डालना है? कौन से चैनल पे आएगा ये? ये मेंस एक्सपी पे। नंबर लिख ले, मेरे को मिस कॉल कर दियो जब आए तो। ठीक है सर। Anyway guys, so if you like our review, then please like, comment, share and subscribe to MensXP. Also follow us on Instagram.